हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि आई है टोक्यो ओलंपिक से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम अपने इस न्यूज़ की शुरुआत, हम अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट से जो आज के समय के लिए एकदम सटीक बैठता है। नारी शक्ति डज अ स्प्लेंडिड जॉब अगेन। हमारे देश की नारी शक्तियों के बारे में बात हो रही है। हमारे देश में नारी को शक्ति का रूप माना जाता है और हमारे देश की नारियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रदर्शित कर दिया है और हमें जो है तीसरा मेडल, हमारा तीसरा मेडल हमें प्राप्त हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। हमारा पहला मेडल जो सिल्वर मेडल मिला वो हमें हमारी देश की महिला के द्वारा यानी मीराबाई चानू के द्वारा मिला। ब्रॉन्ज मेडल जो हमें अगेन मिला पीवी सिंधु के द्वारा। और तीसरा जो है ब्रॉन्ज मेडल हमें मिल चुका है किनके द्वारा, तो ये है हमारी न्यू ब्रॉन्ज मेडल देने वाली जो टोक्यो ओलंपिक में यानी ओलंपिक में ही पहली बार पार्टिसिपेट की थी। आप सोच सकते हैं ओलंपिक में पहली बार जाना और मेडल लेकर के आना, बहुत ही करीब से सिल्वर मेडल हाथ से निकला है इनके। हम बात कर रहे हैं लोवलीना बोर्गोहिन के बारे में। तो लोवलीना बोर्गोहिन ने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। तो सबसे पहले इस कार्य के लिए, इस गर्व के लिए हम इन्हें जो है बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, हम और हमारी पूरी महिंद्रा परिवार की तरफ से इन्हें हार्ट फिल्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, वैसे तो ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया है एज अ थर्ड इंडियन बॉक्सर। ये तीसरे इंडियन बॉक्सर बन चुकी हैं इस मेडल को जीतने के बाद। ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में वुमेन्स की कैटेगरी में हम बात करें तो 64 से 69 की कैटेगरी में, वैसे ये 64 से 69 की कैटेगरी में खेलती हैं लेकिन ये जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है ये 69 kg के कैटेगरी में की है। और अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन है, कहाँ से, आसाम से। तो जी हाँ, आसाम स्टेट से बिलोंग करती हैं, पहली महिला जो आसाम से जाती हैं ओलंपिक में खेलती हैं। ना केवल आसाम से पहली बल्कि ये इनके जीवन का पहला ओलंपिक भी है। हम बात कर रहे हैं 23 वर्षीय लोवलीना जी के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि थर्ड की हमने बात करी तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया के फर्स्ट जिन्होंने हमें बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया ओलंपिक में, जो कि 2008 में, तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में हमें विजेंद्र सिंह के द्वारा जो है मेडल प्राप्त हुआ था। सेकेंड जो मेडल हमें प्राप्त हुआ वो लंदन ओलंपिक 2012 में मैरी कॉम जी के द्वारा प्राप्त हुआ। एमसी मैरी कॉम ने जो है ब्रॉन्ज पदक जीता था लंदन ओलंपिक में। लोवलीना बोर्गोहिन ने जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 की जो है ब्रॉन्ज मेडल। अब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है कि बॉक्सिंग में 8, 12 और 2020 में हमें एक कॉमन पदक यानी कि ब्रॉन्ज पदक जो है वो मिला है। इसी कारण से मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये थर्ड इंडियन जो है जिनको ब्रॉन्ज पदक जो है वो मिला है ओलंपिक में, इस कैटेगरी में ये शामिल हो गई 49 kg के कैटेगरी में। चलिए हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, विशेष इनकी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। देखिए, वैसे तो इनका जन्म जो है वो 97 में हुआ और कहाँ हुआ, आसाम के गोलाघाट जिले के जो है बोरोमुखिया गांव में। गांव काफ़ी पिछड़ा है और गांव की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मतलब मुट्ठी भर लोग हम कह सकते हैं, 800 वोटर का ही ये गांव है, आप सोच के देखिए। और अगर हम बात करें तो जो बेसिक सुविधाएं हैं इस गांव से अति दूर हैं, बहुत ही दूर है। जो शहरी क्षेत्र आता है इस गांव का वो भी काफ़ी किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर के दूरी पे जो है थोड़ा सा शहरी क्षेत्र प्रारंभ होता है। इनके जो गांव है बहुत बेसिक सुविधाएं वहां पे उपलब्ध नहीं है पूरी तरह से। गांव जो वो खेती बाड़ी स्पेशली चाय की खेती पे डिपेंड करता है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो जो है कच्ची सड़कें हैं यहाँ पे, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। यहाँ आसाम के सीएम ने ये बताया कि अगर ये जीत गई हैं, जब ये
फाइनल सेमीफाइनल के लिए जब इनका सिलेक्शन हो गया था, मतलब जब ये श्योर हो चुका था कि ये ब्रॉन्ज मेडल तो लेके ही आ रही है, एक कदम आगे जाएंगे तो सिल्वर आ जाएगा और अगर हारती है तो कोई नहीं, ब्रॉन्ज तो श्योर हो चुका था हमारा, तभी ये बात हो गई थी कि इनके जीत के आते आते जो है इनके गाँव की सड़कें जो है वो कॉन्क्रीट सड़क में बदल जाएंगी, ऐसा वहाँ के सीएम ने बताया था। वैसे अगर हम इनकी बात करें तो 12 वर्ष की उम्र से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। बचपन में इनके फादर ने ये पहचान लिया था कि इनकी जो बेटी है ये कुछ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट करने वाली है। कैसे ये पहचान लिया था इन्होंने, तो इनके फादर का कहना था, इनके फादर ने सोशल मीडिया में, चूंकि आज ये जीत चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू उनकी जो है न्यूज़ में रही, तो उन्होंने बताया कि देखिए ये जो है बचपन से ही निडर थी, कहीं भी गेम के लिए जाना होता था तो वो अकेले चली जाती थी, प्रैक्टिस के लिए इधर उधर जाना या पार्टिसिपेशन के लिए कहीं जाना तो अकेले चली जाती थी, बहुत ही निडर थी। तो इस बात से समझ में आ गया था कि एग्रेशन और निडरता इनके अंदर है, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो है एक बॉक्सर के लिए, एक अच्छा बॉक्सर के लिए। ये तो इनके फादर को समझ में आ गया था। और दूसरी अगर हम बात करें जो इनके फादर के द्वारा शेयर किया गया वो ये है कि ये तीन बहनें हैं और इनके जो है कोई भाई नहीं है। आपको पता होगा इंडिया जैसे देश में जो है आज भी मानसिकता यही है, आज भी पढ़े लिखे लोग भी कुछ ऐसे मुट्ठी भर हैं जिनकी मानसिकता ये है कि लड़का इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। इनके फादर को भी ताने मारे गए कि आपकी तो सिर्फ तीन बेटियां हैं, है ना, लेकिन इनके फादर ने इग्नोर किया उन बातों को। और इनके जो दो बड़ी बहनें हैं वो पैरा मिलिट्री फोर्स में अपने सर्विसेज दे रही हैं, आप सोच के देखिए कितनी गर्व की बात है, और ये थर्ड हैं अपनी बहनों में और ये जो है हमें ब्रॉन्ज मेडल ला के दे दी। अब हम कहीं क्या सकते हैं, अब बेटों के बारे में तो मतलब हम ये कह नहीं सकते कि इस तरह की मानसिकता कब दूर होगी। फिलहाल हम बात करें, ये तो इनके फादर की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इनके फादर ये भी बता रहे थे कि टोक्यो ओलंपिक की तैयारी ये आज से नहीं कर रही हैं, 2015 में ही इन्होंने अपने हाथ पे जो है जो ओलंपिक का ये जो रिंग होता है तो ये 5 रिंग इन्होंने अपने हाथ पे टैटू बनवा लिए थे और रोज़ सुबह उठ के देखती थी, ऐसा इनके फादर ने बताया। हालांकि इनके फादर ने बताया कि थोड़ा और अच्छा से करती तो कुछ अच्छा होता, लेकिन जो भी हो अच्छा किया। और इनके फादर ने ये भी बताया कि ये अपनी बेटी का कभी भी लाइव जो गेम होता वो नहीं देखते क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता, तो उनकी अपना अपनी पर्सनल कंसर्न उन्होंने जाहिर किया, शेयर किया और बताया कि बाद में देख लेते हैं लेकिन लाइव कभी नहीं देखते। और ये है इनका स्कूल जहाँ ये बचपन में प्रैक्टिस करती थी, मैंने आपको बताया 12 साल की उम्र से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी और उसके बाद फिर ये गुवाहाटी जाती है, बाद में ये गुवाहाटी जाती है, तो ये उनका स्कूल है जहाँ पर ये स्टार्टिंग में स्कूल के टाइम ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती थी। तो कितनी गर्व की बात है ना, मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, मेरा भाई चानू का भी एग्जाम्पल हमारे सामने था, उनका भी गांव ऐसा ही था, वो भी लकड़ी के गट्ठर उठाने से प्रारंभ की थी। और इनकी भी बात हम कर रहे हैं तो ये भी ऐसे इलाके से जो है आती है जहाँ पे सोचिए आज भी इस पक्की सड़कें नहीं हैं, आप सोच सकते हो। तो अब हम ये कहें ये नहीं था इसलिए ये नहीं कर पाए, ये अपने आप को धोखा देने से कतई कम नहीं प्रतीत होता है। आगे बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स की, तो क्या क्या इन्होंने अचीव किया है तो हम बात कर लेते हैं। वैसे तो ये असम से पहली महिला हैं जो ओलंपिक में गई हैं और अगर हम बात करें तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है जो है कहाँ पे कब मिला है, 2018 में AIBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन में, तो पहला अचीवमेंट इनका 2018 में ही हो चुका है। 2019 में अगेन जो है ये AIBA वुमेन वर्ल्ड जो है बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में इन्हें गोल्ड मेडल हासिल है। और इन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि ये जो मेडल्स है इनको उस समय उतनी टेक्निक नहीं आती थी, उतनी ये टेक्निकली साउंड नहीं थी बॉक्सिंग में, बस कुछ थोड़े से प्रयास थोड़े से टेक्निकल एफर्ट्स के साथ ये फाइटिंग के लिए गई और मेडल इन्हें प्राप्त हो गया था। और हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि नई दिल्ली में हुई थी उस समय पे जो है इन्हें ये हम कह सकते हैं कि मेडल प्राप्त हुआ था। अगेन सेकेंड जो इंडियन यानी गोल्ड जो है उन्हें ये फर्स्ट इंडियन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्राप्त हुआ था। और अगर हम बात करें सेकेंड इंडियन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि गुवाहाटी में हुआ था उस समय इन्हें सिल्वर प्राप्त है, तो गोल्ड सिल्वर और जो है ब्रॉन्ज पहले से ही इनके खाते में थे। लेकिन देखो यार टोक्यो ओलंपिक का बात ही कुछ और होता है, यहाँ पे
वर्ल्ड देखता है आपको, विश्व के इतने सारे देश यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी दुनिया की नज़र होती है यहाँ पे। अगर आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है तो ये बहुत ही गर्व की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। और हम देखते हैं इस तरह से टोक्यो ओलंपिक में इनको जो है जो स्थान मिला है 69 केजी के कैटेगरी में। और ये जो है अगर हम बात करें पर्टिकुलरली असम स्टेट की, तो असम स्टेट की पहली, और अगर प्लेयर्स के नज़र से देखें महिलाओं के कैटेगरी में पहली, और अगर प्लेयर्स के नज़र से देखें तो दूसरी, शिव थापा के बाद ये सेकेंड असम को रिप्रेजेंट करने वाली ओलंपिक की महिला बन चुकी हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, हमने इतना सारा डिस्कस किया, और भी ओलंपिक से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको सुबह मॉर्निंग की 6:30 बजे की क्लास में ज़रूर दे दूंगी। वहाँ पे मैं रोज़ अपडेट करती रहती हूँ आपको, तो वहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास में जुड़ना ना भूलें। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स तो बनता है, एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू।